तो यहां हम जो आज पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे नेशनल इनकम। क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम। ये चैप्टर है तो बहुत ब्रॉड, लेकिन आपके सिलेबस के रिकॉर्डिंग इस पर डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम का मतलब राष्ट्रीय आय। क्या है राष्ट्रीय आय? जिस प्रकार मैंने अभी बताया, एक निश्चित समय में अर्जित की गई संपूर्ण संपत्ति ही आय कहलाती है। एक निश्चित समय में, और अगर देश के अंदर की बात हो तो किसी भी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में समझिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष। भारत देश की बात किया जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक क्वेश्चन क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से आपके देश का वित्तीय वर्ष क्या है? तो किसी एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से या अन्यत्र स्रोतों से अर्जित की गई संपूर्ण संपत्ति ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय आय कहां से कहां तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? यह भी आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, देखिए साथियों, यह जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है यह 23 मई 2019 को प्रकाश में आया। इसके पहले यह नहीं था। इसके पहले राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती थी? CSO करती थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। CSO की स्थापना कब हुआ था? तो CSO की स्थापना 1951 में हुआ था, लेकिन 23 मई 2019 को CSO और NSSO, जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था, इन दोनों का विलय करके क्या बनाया गया? NSO बना दिया गया। क्या बना दिया गया? NSO बना दिया गया। NSO किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम। अच्छा, एक मिनट। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मोस्पी। आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो NSO 23 मई 2019 को बना, इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि यह बना है, विलय करके बना है। कौन सी दो संस्थाओं का विलय किया गया? CSO और NSO। NSO कौन सी गणना करता था? गरीबी एवं बेरोजगारी की गणना करता था। तो सर अब कौन करेगा? अब यही करेगा। चैप्टर पढ़ाऊंगा गरीबी एवं बेरोजगारी की, तो इसका जिक्र पुनः करूंगा।
तो सीएसओ और एनएसओ एनएसएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण कार्यालय दोनों का गठन विलय करके किसको बना क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। तो भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में गणना कौन करता है, राष्ट्रीय आय की एनएसओ करता है। चीजें क्लियर है। देखिए राष्ट्रीय आय के मापन के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और धारणा होती है, लेकिन अगर भारत के राष्ट्रीय आय की माप की जाएगी तो वित्तीय वर्ष में ही की जाएगी, निश्चित है। तो उसका वित्तीय वर्ष कहां से कहां तक होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय आय मापन की अवधारणा की। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय मापन की अवधारणा की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है राष्ट्रीय आय मापन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट्स या अवधारणाएं। देखिए राष्ट्रीय मापन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या राष्ट्रीय मापन के जो आधार होते हैं वो दो आधार होते हैं। कितने? दो। एक बाजार कीमत पर राष्ट्रीय मापी जाती है, प्रेजेंट बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस, इसको एमपी लिखेंगे शॉर्टकट में क्योंकि काम आएगा भी हमारे। और दूसरा साधन लागत पर बात होती है। किस पर बात होती है? साधन, एक कॉन्सेप्ट्स हैं साधन लागत, इसको अगर सीख लिया तो पूरी की पूरी नेशनल इनकम आपको समझ में आएगी। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं होगा इसलिए इसको अच्छी तरीके से कवर कर लो। साधन लागत, इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट, या इसके लिए एफसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इस कॉन्सेप्ट्स के अंदर चार चार चीजें होती हैं। कौन कौन सी? जीडीपी, एक एक कर को लेकर के पोस्टमार्टम करेंगे। जीडीपी एमपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, इसकी बात करें बाजार कीमत की। जीएनपी एमपी मतलब है इस पर आधारित, अभी बता रहा हूं। एनडीपी एमपी एंड एनएनपी एमपी, समझ रहे ना? यहां भी वही चारों होते हैं। सबको इकट्ठा कर दूंगा साथियों, बस आप लोग साथ दो। यहां भी वही चारों होते हैं, जीडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनडीपी एफसी या एनएनपी एफसी। देखिए बाजार कीमत और साधन लागत दो प्रकार की चीजें होती है, यानी कोई भी वस्तु जो बनकर तैयार हुई है उसका जो बाजारू मूल्य होता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य यानी आखिरी मूल्य जिस मूल्य पर वह बाजार में बिकने को तैयार हो, उस आधार पर, यहां वस्तुओं के लागत के आधार पर, हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 को उठाएंगे और पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे दोस्त। कॉन्सेप्ट नंबर 1 को उठाएंगे और पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। आइए अब एकदम बोर्ड पर निगाह जमा के रखिएगा, चीजें 100% क्लियर होंगी। जीडीपी एमपी का मतलब होता है ग्रोस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसकी हिंदी होगी सकल घरेलू उत्पाद,
सकल घरेलू उत्पाद, क्या सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। बाजार कीमत क्या होती, मैंने आपको बता दिया, कोई भी वस्तु, भाई आप समझ सकते हो यार, बाजार कीमत क्या क्या मतलब होता है, कोई भी वस्तु मार्केट में जितने मूल्य पर बिकने को तैयार होती है उसकी बाजार कीमत कहलाती है। कोई भी वस्तु मार्केट में जितने मूल्य पर बिकने को तैयार होती है उसकी बाजार कीमत कहलाती है। एक एक शब्द को लीजिएगा, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, घरेलू का मतलब घर के अंदर, मतलब देश के अंदर। आइए देखते हैं जीडीपी कैसे समझ में नहीं आती। उत्पाद दो ही होते हैं, कौन कौन से, वस्तु एवं सेवा। कैसे जीडीपी समझ में नहीं आती दोस्त, पोस्टमार्टम कर देंगे यार, बस बने तो रहो। यहां क्या, जीडीपी में देश के अंदर संपूर्ण वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को जीडीपी कहते हैं। लेकिन अभी शब्द पर गए थे, देश की घरेलू सीमा के भीतर, यानी देश के अंदर, देश की घरेलू सीमा के भीतर, यानी जो आपका देश है जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, राजस्थान, इधर आप लीजिए उड़ीसा, यानी पूरा पूरे देश के अंदर, देश की घरेलू सीमा के भीतर निवासी तथा गैर निवासी, निवासी तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित यानी बनाया गया वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य बाजार कीमत पर जीडीपी कहलाता है। यानी जीडीपी के अंतर्गत, जीडीपी एमपी जो मैंने भी लिखा, उसके अंतर्गत क्या होगा, उत्पादन देश के अंदर होगा, उत्पादन करने वाला निवासी भी हो सकता है, गैर निवासी भी हो सकता है, यानी भारतीय कंपनियां भी हो सकती हैं, विदेशी कंपनियां भी हो सकती हैं, भारतीय लोग भी हो सकते हैं, विदेशी लोग भी हो सकते हैं। उत्पादन किसका होगा, वस्तु एवं सेवा का होगा, यानी जितनी वस्तु और सेवा बनी एक साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच देश के अंदर, चाहे वह भारतीय लोग या भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई गई हो, चाहे विदेशी लोग या विदेशी कंपनियों द्वारा बनाई गई हो, उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वही जीडीपी होता है। क्या अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है कोई भी वस्तु बाजार या सेवा बाजार में जितने मूल्य पर बिकने को तैयार होती है। समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बनी, इसकी मार्केट में कीमत 500, यह दूसरी वस्तु बनी इसकी 200, यह तीसरी वस्तु बनी इसकी 500, 300, यह चौथी वस्तु बनी इसकी 800, यानी जितनी भी वस्तु बन गई उसका जो संपूर्ण मौद्रिक मूल्य होगा उसी को जीडीपी कहते हैं। दैट्स क्लियर, आपके अंतर्गत यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, अमेरिका का डॉक्टर भारत की देश के अंदर सेवा दे रहा है वह किसमें शामिल होगा, जीडीपी में, गैर निवासी। भारत की कोई कंपनी भारत में कार्य कर रही है वह किसमें शामिल होगा, जीडीपी में, जीएनपी में भी होता है लेकिन यहां पर देखिए, यानी निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा एक निश्चित समय यानी एक निश्चित वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच देश की घरेलू सीमा के भीतर बनने वाले सभी वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है बाजारू कीमत, अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाती है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दैट्स क्लियर, एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए।
ओके ओके। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू, सकल का मतलब संपूर्ण उत्पादन एक साल में जितना हो रहा है, कहां देश के अंदर किसका वस्तु एवं सेवा का कौन कर रहा है, निवासी और गैर निवासी, उसका जो मार्केट प्राइस होगी उसी को जीडीपी कहते हैं। मारुति बनी, टीवी बना, फ्रिज बना, एसी बना, कूलर बना, हवाई जहाज बना, बाइक बनी, कुर्सी बना, टेबल बना, चेयर बना, पंखा बना, पेन कॉपी किताब, जितनी वस्तु एक साल के अंदर बन गई उस वस्तु का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। उस वस्तु का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। हमें जीडीपी समझ में। सर जीडीपी कम क्यों हो जाता है? वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर यही है कि जैसे मान लीजिए पिछले साल जीडीपी 100 रुपए की, पूरा 100 रुपए का माल बना, इस साल मात्र 95 रुपए का माल बना तो घाटे में गए ना -5%। 105 का बना तो जीडीपी वृद्धि दर कितना है? 5% है। आर्थिक समृद्धि कितना है? 5% की। यही होता है वृद्धि दर। एक घटेगी बढ़ेगी कब? इस समय जीडीपी डाउन क्यों हो गई? क्योंकि कोविड के समय किसी के पास पैसे नहीं, पैसे नहीं तो मांग नहीं, मांग नहीं तो उत्पादन नहीं, उत्पादन नहीं तो जीडीपी नहीं। जब उत्पादन नहीं होगा तो जीडीपी कहां से बढ़ेगी साथियों? क्लियर? ओके आइए सेकंड टर्म्स को लेते हैं, जीएनपी को लेते हैं। क्या सर जो विदेशी लोग विदेश में हमारे भारतीय काम कर रहे हैं उनका क्या, वो हमारा राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एड एमपी लिख दे रहे हैं, मतलब मार्केट प्राइस आप समझ रहे हैं बाजार कीमत पर। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अभी घरेलू उत्पाद की बात कर रहे थे, अभी राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर लेते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल का मतलब संपूर्ण, सकल का मतलब संपूर्ण, उत्पाद का मतलब वस्तु एवं सेवा, राष्ट्रीय का मतलब यहां पर देश के अंदर एवं बाहर लिख देना, देश के अंदर एवं बाहर। शायद चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, शायद चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। यानी किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा के भीतर एवं बाहर, देश में और पूरे दुनिया में केवल निवासियों द्वारा, किसके द्वारा? केवल निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। उत्पादन कहां होगा? उत्पादन स्थल क्या है? यहां यहां देश ही है और प्लस विदेश भी है। उत्पादनकर्ता कौन है? उत्पादनकर्ता कौन है? सिर्फ निवासी करते हैं, यानी भारत के नागरिकों के द्वारा देश के अंदर या बाहर किया जाने वाला एक वित्तीय वर्ष में जो संपूर्ण उत्पादन होगा वह जीएनपी का हिस्सा है। जैसे भारत का कोई डॉक्टर अमेरिका में सेवा दे रहा है वह जीएनपी का हिस्सा है लेकिन जीडीपी का हिस्सा नहीं है। अमेरिका का डॉक्टर भारत में सेवा दे रहा है वो जीडीपी का हिस्सा है। सुना है, पढ़ा है।
भारत की कोई कंपनी, भारत की रिलायंस कंपनी ब्रिटेन में काम कर रही है, वहां से भारत में पैसा आ रहा है, वह जीएनपी का हिस्सा निवासी द्वारा काम देश के अंदर और बाहर कहीं भी हो, ठीक है। देखिए एक चीज, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या है आइए समझिएगा। भारत के लोगों के द्वारा भारत में किया जाने वाला कार्य कॉमन है, क्योंकि भारत के लोगों द्वारा भारत में किया जाने वाला उत्पादन जीडीपी का भी हिस्सा होगा और जीएनपी का भी हिस्सा होगा, होगा ना, क्योंकि उसमें देश की सीमा के अंदर निवासी तथा गैर निवासी, यहां देश की सीमा है और बाहर केवल निवासी। तो जो निवासी हैं, जो भारत में काम करने वाले लोग हैं, भारत के लोग हैं, वह जीडीपी और जीएनपी दोनों में आएंगे। यहां से एक क्वेश्चन होगा कि जीएनपी एमपी बराबर जीडीपी, अगर हम जीडीपी में क्या जोड़ दें कि हमको जीएनपी मिल जाता है, विदेश से प्राप्त निवल आय, क्या विदेश से प्राप्त निवल आय, विदेश से प्राप्त निवल आय अच्छा है, निवल आय का मतलब होता है शुद्ध आय, तो विदेश से प्राप्त निवल आय का मतलब इसको इंग्लिश में लिखते हैं नेट फॉरेन इनकम, यानी निवल विदेशी आय, यानी विदेश से प्राप्त निवल आय को हम निवल विदेशी आय भी लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ निवल विदेशी आय कैसे मिलेगा? आपने देखा होगा जीडीपी में विदेश के लोग भारत में कार्य कर रहे हैं, भारत वाले तो कर ही रहे हैं, और जीएनपी में भारतीय लोग विदेश में कार्य कर रहे हैं, तो विदेश से शुद्ध आय हम कैसे निकालेंगे, कैसे देखना। भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय किसका हिस्सा होगा? जीएनपी का। भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय उसी को बोल देते हैं निवल विदेशी आय। जैसे जैसे भी देख लो, भारत के लोग विदेश से कमा करके ला रहे हैं 1000 करोड़, और विदेश के लोग भारत से कमा करके ले जा रहे हैं 200 करोड़, तो निवल विदेशी आय क्या होगी? 800 करोड़। यानी शुद्ध शुद्ध विदेश से आय कितनी आ रही है? 800 करोड़ आ रही है, अगर देश की जीडीपी में उसको जोड़ देते हैं तो जीएनपी बन जाता है। अगर जीडीपी में उसको जोड़ देते हैं तो जीएनपी बन जाता है। दैट्स क्लियर। देखिए अब आप ये बताओ मूल्यह्रास, डिप्रेसिएशन, मूल्यह्रास क्या मतलब क्या होता है? मूल्यह्रास या डिप्रेसिएशन, अगर किसी वस्तु एवं सेवा, मान लीजिए किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा है तो उसके अंदर लगेगा क्या क्या? मशीन लगेगी, जमीन लगेगा, काम करने वाले लोग लगेंगे, कच्चा माल लगेगा, ईंधन लगेगा, लाइट लगेगी, सब कुछ लगेगा।
तो मूल्यह्रास क्या कहा जाता है, डिप्रिसिएशन उसको कहते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं के, क्या वस्तु एवं सेवा के, वस्तु एवं सेवा के उत्पादन के दौरान, जब वस्तु और सेवा का निर्माण हो रहा होता है तो उसके दौरान उसके उत्पादन में प्रयुक्त जो साधन हैं उनके मूल्यों में कमी आती है। मशीन खराब हो जाती है, श्रमिक की मौत हो जाती है, लाइट खराब हो जाती है, कच्चा माल खराब हो जाता है, पका हुआ माल खराब हो जाता है, महंगा हो जाता है, तो कमी आती है ना, नुकसान होता है कि नहीं होता, क्योंकि शकल में तो सब जोड़ लिया, जितना सामान बनकर के तैयार हुआ उसको तो शकल में जोड़ लिया, लेकिन उसमें घाटा भी तो हुआ होगा बनाने में, कुछ नुकसान भी तो हुआ होगा, माल भी तो खराब हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा भाई। शुद्ध आय निकालनी है तो माल को घटाना, नुकसान को घटाना पड़ेगा ना। वस्तु एवं सेवा के उत्पादन के दौरान प्रयुक्त साधनों के, प्रयुक्त साधनों के मूल्यों में होने वाली कमी, मूल्यों में होने वाली कमी, होने वाली कमी, घाटा, नुकसान क्या कहलाता है, मूल्यह्रास कहलाता है। आप ये बताओ जीडीपी या जीएनपी, जो ग्रोस आय है, ग्रोस उत्पाद है, सकल है, संपूर्ण है, अगर शुद्ध निकालना हो तो इसको उसमें से घटाना पड़ेगा। बनाने के दौरान जो घाटा हुआ है सकल आय से उसको घटा देंगे तो शुद्ध आय मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। बिल्कुल आपने देखा होगा जो आखिरी के दो पॉइंट थे, कौन कौन से वाले, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, वो क्या था, वह था NDPMP। NDPMP का मतलब होता है निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपको शुद्ध निकालना है तो जो जीडीपी निकालना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद निकालना है, उसमें से मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा, उसमें से डिप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समझिए, अगर सकल आय, सकल आय पूरा उत्पादन मानते हैं 500 करोड़ का हुआ है एग्जाम्पल, और उसके बनाने में अगर 40 करोड़ का मूल्यह्रास हुआ है तो कितना होगा, 460 करोड़ ही शुद्ध जीडीपी, शुद्ध एनडीपी होगा, शुद्ध आय देश की इतना ही होगी। ठीक इसी प्रकार एनडीपी हो गया, एनएनपी होता है, एनएनपीएमपी अगर राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय में से घटा देंगे, यानी जीएनपीएमपी में से, जीएनपीएमपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे, जीएनपीएमपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे। ये फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रटना नहीं है। देखिए भाई, ये है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल का मतलब नेट या शुद्ध होता है, और यह है सकल। तो सकल यानी संपूर्ण, अभी मैंने बताया था, लिख करके भी बताया था, संपूर्ण में से शुद्ध को निकालने के लिए घाटा तो निकालना पड़ेगा ना, घाटा, ये घाटा है बनाने के दौरान जो हानि हुई है, निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा।
ये बात तो हो गई मौद्रिक मूल्यों की, बाजारू कीमत की, अभी साधन लागत का बाकी है। अभी साधन लागत का बाकी है, क्या है? साधन लागत का बाकी है। तो आइए देखते हैं साधन लागत का क्या सिस्टम होता है दोस्त, देख लेते हैं। देखिए साधन लागत फैक्टर कॉस्ट साधन लागत का मतलब होता है, पहले आप ये बताइए साधन, अगर किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करेंगे तो चार साधन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले एक व्यक्ति होना चाहिए सोचने वाला कि कौन सी वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है, उसको उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यमी। फिर दोबारा कहां करना है तो एक जमीन या मकान की जरूरत पड़ेगी। फिर मशीन वगैरह लेने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ेगी, कच्चा माल, मशीन, और आखिरी में किसकी जरूरत पड़ेगी? श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। ये तो साधन हो गए। आप ये बताओ अगर कोई वस्तु मार्केट में 100 रुपए पर बिक रही है, सेल हो रही है, बिक रही है, तो क्या इन सबको उसमें शामिल नहीं किया जाता? किया जाता है। क्या क्या किया जाता है शामिल इसमें? उद्यमी का लाभ, जमीन या मकान का किराया, सब इंक्लूड करते हैं भाई। पूंजी का ब्याज, कहीं से अगर पैसा लगाया है तो ब्याज जो बैंक वगैरह को देना पड़ेगा, और श्रमिकों का मजदूरी। कोई वस्तु अगर मार्केट में 100 रुपए की बिक रही है तो क्या इसको ध्यान नहीं रखते? रखते हैं। यही होता है साधन लागत। और इस पूंजी में कच्चा माल का भी मूल्य शामिल है या नहीं है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अभी सब कुछ बता देता हूं। ये हो गया साधन लागत। देखिए अगर मान लीजिए एक वस्तु है, एक वस्तु है जो बाजार में, कहां बाजार में 500 की बिक रही है, एक वस्तु है जो बाजार में 500 की बिक रही है, वह क्या होगा? जीडीपी एमपी का हिस्सा है, बिल्कुल है, उसको क्या कहेंगे? कहेंगे या नहीं कहेंगे? जीडीपी एमपी कहेंगे ना, बिल्कुल कहेंगे। लेकिन एक वस्तु है जो बाजार में अभी नहीं गई, वस्तु को बनाने में ये जो काम लगते हैं, वस्तु को बनाने में 400 रुपए की लागत आई है, जीडीपी होगा,
जीडीपी एफसी होगा तो कहां देश के अंदर बनेगा, नागरिकों द्वारा बनेगा, विदेशी नागरिकों द्वारा बनेगा, वो आप सब सीख चुके हैं। यह हिस्सा जीडीपी एफसी कहलाता है, समझ गए। यानी कोई भी वस्तु मार्केट में जितने मूल्य पर बिक रही है वो तो जीडीपी एमपी का हिस्सा होगा, अंतिम मौद्रिक मूल्य। और किसी भी वस्तु को बनाने में जो उनके साधन प्रयुक्त होते हैं उनकी आय के हिसाब से जो वस्तु का मूल्य होता है, बनाने में जो खर्च है, और खर्च का रूप यहां से होगा वह जीडीपी एफसी होगा। क्या होगा? जीडीपी एफसी होगा। तो शायद अब समझ गए ना कि जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी में क्या अंतर होता है। तो आइए बहुत ही जल्दी से इसको हम और अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं। देखिए, वस्तु बाजार में 500 की बिक रही है और यहां वस्तु को बनाने में चार सौ की लागत आ रही है। यह खर्च कहां से निकलेगा? वही श्रमिकों की मजदूरी, पैसा का ब्याज, पैसे से क्या आया कच्चा माल ये सब, और जमीन का किराया, कमरे का किराया, घर का किराया, और मालिक का लाभ। समझना, आप ये बताओ कि इसमें से यह जीडीपी हो गया एमपी, यह हो गया जीडीपी एफसी, इसका दम 400 से 500 कैसे पहुंचा? इसमें सरकार ने अप्रत्यक्ष कर लगाया होगा। कर लगता है? लगता है, लगता है। सरकार ने इसमें क्या लगाया है? अप्रत्यक्ष कर। सरकार ने इसमें क्या लगाया है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप ये बताओ कि क्या जीडीपी एफसी निकालने के लिए, जीडीपी एफसी निकालने के लिए जीडीपी एमपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दें तो कोई दिक्कत? मानते हैं अप्रत्यक्ष कर कितने का लगा है? 100 रुपये का एग्जाम्पल बता रहा था ना। क्लियर? बिल्कुल, मुस्कुरा दो, क्लियर हो गया होगा दोस्त। हम कहीं भागने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया ना? बोलो हाँ सर क्लियर है, मन में बोल। इसी प्रकार आप जीएनपी एफसी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार एनडीपी एफसी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार एनएनपी एफसी निकाल सकते हैं। एक चीज और, कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिस पर सरकार छूट भी देती है, उसको सब्सिडी कहते हैं, तो सब्सिडी को जोड़ देंगे, वो सहायता है ना, तो उसको जोड़ देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चार चीजें लिखते हैं और चार फार्मूले आपके एग्जाम में आएंगे, समझने का प्रयास करना। देखो, जैसे जीडीपी एफसी बराबर क्या करेंगे, जीडीपी एमपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। इसको अप्रत्यक्ष कर को और सब्सिडी को जोड़ देंगे। भाई सरकारें सब्सिडी भी तो देती हैं। यह हो जाएगा जीडीपी एफसी। क
कैसे होते हैं मैंने बता दिया 400-500 का एग्जाम्पल लेकर के। आप ये बताओ कि इनका जो अंतर है, जैसे मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर 100 रुपये लगा, सब्सिडी 50 रुपये आई, तो बचा कितना? 50 रुपये। तो इसको निवल अप्रत्यक्ष कर भी कहीं कहीं दिखेगा, निवल अप्रत्यक्ष कर या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तब आपको सब्सिडी कुछ नहीं करना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देना है, ठीक है। अब जैसे जीएनपीएफसी आपको चाहिए, तो जीएनपीएफसी के लिए आपको जीएनपीएमपी में से क्या निवल प्रत्यक्ष कर घटा दो। निवल अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के बीच का अंतर। एक ही पार्ट लिखो, क्या ज्यादा लिखने की जरूरत है, ठीक। जैसे आपको एनडीपीएफसी चाहिए, तो एनडीपीएफसी के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, एनडीपीएमपी में वो वाला निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा देना होगा। किसको घटा देना होगा? निवल अप्रत्यक्ष कर को। अगर आपको एनएनपीएफसी चाहिए, तब आपको एनएनपीएमपी में से एनएनपीएमपी में से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा देना होगा। ठीक है, यहां पर एक चीज देखना, आपको एक चीज आपको यहां पर देखना है कि जो ये एनएनपीएमपी है यह कैसे मिलता है। थोड़ा और अगर इस फार्मूले को बड़ा करना हो तो जीएनपीएमपी में से क्या घटाते हैं? मूल्यह्रास, क्योंकि ग्रोस है ना, ये शुद्ध है, तो यहां मूल्यह्रास घटा देंगे, ये मिल जाएगा। इसी प्रकार इसको एनडीपीएमपी को के लिए जीडीपीएमपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे, आपका यह फार्मूला और बड़ा बन जाएगा, चाहे तो आप बड़ा कर सकते हैं, चौथा पांचवा दसवां बारहवां जितना भी फार्मूला बना चाहे बना सकते हैं, इधर उधर कर करके। और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, याद रखिएगा एनएनपीएफसी को ही देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जीडीपी वगैरह अलग चीज हो गई, एनएनपीएफसी को ही देश का राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। और एनएनपीएफसी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एनएनपीएमपी में से निवल प्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। या फिर अगर इसको और बड़ा लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट इसके स्थान पर ही हो जाएगा, फिर माइनस निवल प्रत्यक्ष कर। वो आप समझ रहे हैं, वो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, पक्का क्लियर, ओके। अब आइए, अब हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय की, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? एक एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली संपत्ति, एक एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली संपत्ति प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। जैसे आपके परिवार में 50,000 रुपये आ रहा हो और आपके परिवार में 10 लोग हैं, तो एक एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा? 5,000 आएगा। उसी प्रकार देश की बात करें, उसी प्रकार देश की बात करें
तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय और जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है, तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या का अनुपात प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। भाई जान जितनी आय है जितनी जनसंख्या है, 500 करोड़ है, 5 लाख जनसंख्या है, भाग दे दिया, एक एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी संपत्ति आएगी उसी को प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। यानी एक एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली संपत्ति या रकम को ही क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। भारत में सबसे पहले अड़सठ में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय बताई थी। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय कितना, 20 रुपए बताया। और दादा भाई नौरोजी को ही भारत का प्रथम आर्थिक चिंतक कहा जाता है। समझ लीजिए, इन्होंने इतना पहले बताया तो भाई भारत का प्रथम आर्थिक चिंतक तो इनको कहेंगे ही कहेंगे। दादा भाई नौरोजी को भारत का प्रथम आर्थिक चिंतक कहा जाता है, ठीक। ये हो गया राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय मापन की विधियां राष्ट्रीय आय मापन की विधि कौन कौन सी है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय मापन की कौन कौन सी विधियां, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो राष्ट्रीय आय मापन के सिर्फ 3 ही विधियां हैं, उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, आय विधि, और व्यय विधि। आप एग्जाम में पूछेगा निम्न में से ऐसी वह कौन सी विधि है जो भारत में राष्ट्रीय आय मापन के विधि में शामिल है, या निम्न में से ऐसी वह कौन सी विधि है जो भारत देश के राष्ट्रीय आय मापन में शामिल नहीं है। आय उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है उसी में आता है। विधि है वो कॉन्सेप्ट था जीडीपी जीएनपी। उत्पादन का मतलब मैंने बता दिया था कि एक वित्तीय वर्ष में जितना उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य, जीडीपी, उत्पादन विधि। आय का मतलब वही उद्यमी, मजदूर, पूंजी और मकान को जो आय मिलता है, क्या मिलता है, लाभ, ब्याज, मजदूरी मिलता है ना, और किराया, वह उसका आय योग। व्यय का मतलब मूल्यह्रास से संबंधित है, व्यय का मतलब मूल्यह्रास से संबंधित। देखिए एक चीज और आपको यहां पे नोट डाउन करना होगा, 1948-49 में भारत में एक समिति बनाई गई थी, ये आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आय समिति कब बनाई गई थी, 1948-49 में भारत देश में एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसी महालनोबिस। कौन? पीसी महालनोबिस, बहुत इंपॉर्टेंट है पीसी महालनोबिस। चीजें क्लियर हो रही है? अब आइए आज के सेशन का आखिरी टॉपिक। भारत में एक नई अवधारणा लागू की गई है, जीवीए।
इसको बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड यानी सकल मूल्य वर्धन। क्या बोलते हैं? सकल मूल्य वर्धन। यह व्यवस्था भारत में कब लागू की गई? 2015-16 से। यह मुद्रा की गणना का एक माध्यम है। इसमें कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये पहले लेक्चर में हो चुकी है बात, मैंने बताया सब आपस में लिंकेज होता है। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में उत्पादन का जो मूल्य है, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, फल वल से 1,000 करोड़ आ रहा है, इंडस्ट्री से 5,000 करोड़ आ रहा है और यहां से 10,000 करोड़ आ रहा है, तो जो जीवीए होगा वह इसका योग होगा। और वर्तमान समय में यही देश में राष्ट्रीय आय की गणना की एक अच्छा माध्यम है कि भाई जितना पूरा उत्पादन हो रहा है उसका मूल्य निकाल लो, उसका योग निकाल लो और वही होगा जीवीए। आपके एग्जाम में पूछेगा कि सकल मूल्य संवर्धन, तो ये आपको पता होना चाहिए। और भारत की वर्तमान जीडीपी की बात करें, करंट का क्वेश्चन अगर बने तो वर्तमान जीडीपी भारत की -23.9% घाटे में चल रहा है। कितना? -23.9%। ऐसी जीडीपी भारत में कब थी? 1996 में थी। ऐसी जीडीपी भारत में कब थी? 1996 में थी। ये कोविड के समय वही बात है, मांग कम, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो जीडीपी कहां से बढ़ेगी। लेकिन एक चीज की मांग बहुत बड़ी है, कृषि उत्पाद की, प्राथमिक क्षेत्रों की। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर ऐसा है भारतीय अर्थव्यवस्था का जिसमें वृद्धि हुई है, वह है कृषि या प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र की जीडीपी 3% से बढ़ करके 3.4% तक हो गई है। आप लोग करंट में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो साथियों, आज आपका फोर्थ सेशन, फोर्थ लेक्चर इंडियन इकोनॉमी का और राष्ट्रीय आय का चैप्टर, बहुत ही जोरदार चैप्टर, जो आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से प्लेबैक करके एक बार वीडियो को देखना, वो कॉन्सेप्ट समझना जो मैं जीडीपी एफसी और एमपी के बीच बताया, 400-500 का एग्जाम्पल जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, दूसरे को पढ़ाओगे, मेरी गारंटी है। इसी के साथ आज के सेशन से मैं विदा लेता हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।